मतलब पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, नाम की वैल्यू है कि हम सीनियर, हम नहीं जाएंगे। आपको यार लगता है विराट ये बात कोहली, है? विराट कोहली पानी पिलाने आता है जब मैच नहीं खेल रहा होता है। वेस्ट इंडीज में मैंने खुद देखा है रोहित शर्मा को, हमारे मुल्क में सरफराज अहमद जूते लेके जाता है, बाबर आजम जब बाहर बैठता है तो पानी पिलाने जा रहा होता है। तो आपने इमाद वसीम को जो लिया, अगर वो मैच नहीं खेल रहा तो वो फील्डिंग भी नहीं करेगा क्या? क्या फखर जमान मैच नहीं खेल रहा तो फील्डिंग भी नहीं करेगा? पहली चीज, मोहम्मद आमिर ने आज क्यों रेस्ट कर लिया? वाह, एक मैच खेल के ये फिटनेस है? क्या आप रेस्ट करा रहे हैं उसको? ये लगातार 2 दिन मैच है। जब यहां पे ये हाल है तो वर्ल्ड कप में क्या होगा यार? ये चीजें आंखें खोलने के लिए काफी है। आज ये मैंने अपने यूट्यूब पे बात करी है कि यार पाकिस्तान को धोखा मत दो, दोस्ती यारी है मत निभाओ। ये दोस्ती यारी है कि रिटायरमेंट वापस लो, टीम में आ जाओ। अताउर रहमान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी रिटायरमेंट वापस ले ले, बासित अली भी रिटायरमेंट वापस ले ले, यूनुस खान भी ले ले, वसीम अकरम भी ले ले, इंजमाम भी ले ले, वो टीम में आ जाएंगे क्या? कोई क्राइटेरिया होना चाहिए यार। अच्छा बासित साहब, आपको लगता है कि ये भी खिलाड़ी, अगर अगर ये जो बात आपकी मान ली जाए, जैसे आपने एक दलील पेश की है, तो फिर टीम मैनेजमेंट कहां पर है? जी यही तो मैं पूछ रहा था, जब मैच हार रहे थे तो वहां यूसुफ और अजहर महमूद साथ बैठे हुए, तो पहले इस तरफ पे तो ध्यान दो कि भाई ऑर्डर करो, जा फील्डिंग के लिए आपने जाना है। ये क्या क्लब की टीम है? पाकिस्तान की टीम है यार। बैट्समैन अच्छा फील्डर होता है या फास्ट बॉलर अच्छा फील्डर होता है, ये तो अताउर रहमान जवाब देगा। हाँ जी अताउर रहमान साहब, बासा भाई, फास्ट बॉलर तो अच्छा फील्डर होता ही नहीं है, जैसा भी हो, जितना बड़ा हो, जितना मर्जी बड़ा फास्ट बॉलर हो, ना वसीम अकरम अच्छा फील्डर हुआ है, ठीक है, ना वकार यूनस, जितने भी दुनिया के फास्ट बॉलर देख ले, वो इतने वो फाइन लेग पे बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको खड़ा ही उधर कर। तो ये बासा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जो आपका बेस्ट फील्डर होता है टीम में, उसको ही कोई अनफिट होता है तो उसको या सीनियर प्लेयर को, बैट्समैन को भेजते हैं, क्योंकि वो उसने उस एरिया में फील्ड की होती है, क्लोज एरिया जो होते हैं, जो अच्छा फील्डर है वो बैट्समैन ही होता है। ये तो बासर भाई ध्यान ने ही बिल्कुल ना सही कहा। आप। देखो मैच हार जाओ कोई मसला नहीं, एक सिंगल हैंडी चैपमैन ने मैच जितवा दिया, सही है। हमारे 6 ओवर में बने 54 रन आज, सही हाँ है, सर्कल और 10 ओवर में बने 84। एटी इसका फोर मतलब 24 बॉल में आपने 30 रन बनाए। आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, क्या ये हो रही है? बाजा वो तो भाई क्या शायद आप कहते हैं कि ओवर में क्रिकेट 40 रन कर दिए चेंज हो तो गई है? अता कुछ कह रहा शायद। हाँ जी मैंने कहा बाजा भाई ये कहते हैं कि क्रिकेट चेंज हो गई है काफी, तो ये चेंजिंग है इनकी। नहीं चेंज भाई, असल में देखो जो भी ये बात बोले ना, हाफिज के क्रिकेट चेंज हो गई है, स्किल चेंज हुई है। लकड़ी के बैट से खेलते ना, लोहे के बैट से तो नहीं खेलता ना कोई, बॉल हाँ का वजन भी वही है, स्किल चेंज हो गई है। मतलब इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा आ गई है, रिवर्स स्वीप, तरीके तरीके तरह तरह के शॉट्स आ गए। जो बॉल आप बासु भाई ये शॉट पहले भी थे, बासु भाई ये शॉट पहले थे, पहले क्रिकेट मैदान में खेली जाती थी, अब किताबों पे खेली जाती है, किताबों में क्रिकेट पहले पढ़ी नहीं जाती थी, क्रिकेट बात पहले सही खेली कह रहा है, जाती थी। आता बिल्कुल सही कह रहा है बात। अच्छा और मैं तो एक बासित भाई, एक आईपीएल सेकंड बासित आईपीएल के भाई, मैच बासित भाई, जी बासित भाई, एक मैं आपकी ये जो शॉट्स की आपने भी बात की है, ये बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में क्रिकेट को बयान करते हैं ना, बहुत सारे लोग वो ऐसे बताते हैं कि शायद ये शॉट्स पाकिस्तान में कभी नहीं खेले जाते क्यों थे। सही जगह नहीं मारता जाविद था? बासित भाई, बासित भाई, एक आपको आपकी पसंदीदा बात बताने लगा हूं, आपकी पसंदीदा बात, जावेद मियांदाद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 किया वनडे मैच में, एलन डोनाल्ड को उन्होंने रूम बनाया, उसके यॉर्कर को पॉइंट के ऊपर चौका लगाया। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैश किया था। स्लाइस, उसको हम बोलते हैं स्लाइस किया, ठीक है, उसके और वो बाद अगर जॉन्टी रोड की टांगों के बीच में से चौका हुआ था वो। हाँ ठीक है, उससे पहले अगर चले जाते हैं तो एंड 80s में जब सईद अनवर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो जो शॉट्स आज दुनिया खेल रही है, सईद अनवर तो 50 साल पहले, 40 साल पहले ही खेल गए हैं।
तो ये किस किन लोगों को ये बताती हैं कि ये शॉर्ट्स नए आ गए हैं, ये पाकिस्तान में ये जो जैसे अता और रहमान बता रहे हैं क्रिकेट को जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इंटेंट की क्रिकेट है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट उन लोगों के हाथ में है पाकिस्तान में जिनको ये पता नहीं है कि ये असल में ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जवाब दूं हाफिज, आप ये क्रिकेट जी बादशाह भाई बोले जी जी। देखो आईपीएल को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, हाँ बिल्कुल को भी बहुत फॉलो करता हूँ, बिल्कुल करते हैं, और जब से घर में बैठा हुआ हूँ बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। डिफरेंस पता क्या है, डिफरेंस आज वो बात बोल रहा हूँ कोई माइकल लाल किसी टीवी चैनल पे किसी शो में नहीं बोलेगा, आज वो बात बोल रहा हूँ। अब दुनिया ने पता क्या चीज अडॉप्ट करी है, पावर प्ले में ऊपर से मारना है। जो जय सूर्य ने 96 में करा था ना वर्ल्ड कप में, 15 ओवर का दायरा था, वो तो 50 ओवर का था। अब T20 में क्या करा है, 6 ओवर में नीचे नहीं मारना, ग्राउंड शॉट नहीं, ऊपर से मारना है। फर्स्ट उनके जो पहला सोच है वो ऊपर से मारना है, उसमें बॉलर चलाकी करता है और रन खाता है, चाहे वो एज में चौका लग जाए, चाहे फाइन लेग पे लग जाए या सीधा लग जाए, बाकी पॉइंट के ऊपर से भी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी, मिड विकेट भी, मिड ऑन के ऊपर से भी, स्क्वायर लेग के ऊपर से भी, ऊपर से मारा जा रहा है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे रियान पराग हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो वेस्ट इंडियन नारायण हो, सब यही टॉप ऑर्डर। अभी तक जितनी 100 हुए ना आईपीएल में, ओपनर ने 100 करे हैं अभी तक, ओपनर ने 100 करे, सही है, उन्होंने ये चीज अडॉप्ट कर ली है, हमारे वाले ये चीज अडॉप्ट की, उन्होंने सोच भी नहीं रहे। अब बाबर आजम को अगर आप राउंड में या रिजवान को राउंड में फील्डर फैला दे, वो जोर जोर से नीचे मार रहे हैं, तो भाई ऊपर से मारो ना, ये चीज ला बैटिंग कोच को चाहिए, अब ये चीज करवाए कि वर्ल्ड क्रिकेट अब इस तरफ चली गई है, आपने ऊपर से मारना है। अच्छा बासित भाई, अब आपने ये बात बता दी, अब आपने ये बात यहाँ पर बता दी, आप सारी क्रिकेट देख रहे हैं, आप कहीं क्रिकेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये आपने बाहर से बैठकर एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, साबिक क्रिकेटर की हैसियत से आपने ये जायजा लिया कि दुनिया में क्रिकेट क्या हो रही है और क्या कौन सी चीज फर्क डाल रही है। उसमें जो टेक्निकल चीज आपने बताई है कि जब आप ऊपर से मारते हैं तो बॉलर को जो आप दिमागी तौर पे हिला देते हैं, ठीक है, आज जो नसीम शाह के साथ हुआ, एक उसने निकल के मारा ऊपर से, उसके बाद नसीम शाह को समझ नहीं आई, तो ये बयक वक्त ये एक पूरी ना कोचिंग साइंस नजर आती है ना फिर यहां से, कि आप हर वक्त क्रिकेट से क्रिकेट की बात में है, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट पढ़ रहे हैं, क्रिकेट लिख रहे हैं, क्रिकेट खा रहे हैं, क्रिकेट पी रहे हैं, तो ये जो लोग फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि वो तो बहुत पीछे हैं। चले मान लिया खिलाड़ी बहुत पीछे हैं, तो जो आपने अभी फील्डिंग की बात की ना कि चलो भी उठो तुम फील्डिंग पे जाओ, तो इसका मतलब ये है कि कोच का काम है कि भाईजान ऊपर से शॉट्स खेलने हैं, चले आए जरा नीचे 2 घंटे की आपकी प्रैक्टिस करनी है, बड़े शॉट्स ऊपर से, थ्रो डाउन नहीं बॉलर करेंगे, बॉलर को मारेंगे आप, ये नीचे से यूं ये यूं फेंकते हैं, चलो जी वो मैच में ऐसे बॉल आने हैं। देखो हाफिज, हमें हमारे मरूम कोच ने एक बात समझाई थी, वो हमें 4-4 घंटे ना खड़े करके बात हमसे बातें करते थे, वो एक चीज समझाते थे कि बासित इल्म बेचा नहीं जाता सिखाया जाता है। उमला क्या बोलते थे, इल्म बेचा नहीं जाता सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। अताउर रहमान जब खेलता था इल्म वहां पे सिखाया जाता था, बेचा नहीं जाता था। ये बात मैंने इसलिए आपके प्रोग्राम में बोली, कोई देख रहा हो, कोई बच्चा देख रहा हो, उसको सीखने का शौक हो तो वो चीज ही अडॉप्ट करे। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई मेरे पास आओ मुझे पैसे दो मैं ये चीज सिखाऊं, नहीं नहीं नहीं, इल्म सिखाया जाता है बेचा नहीं जाता, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बात बोली ना कि नसीम शाह वाली, मुझे ये तो बताओ वो हट हट के मारे, किसी के पास यॉर्कर नहीं है। बाबर आजम ने एक बयान दिया कि लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं बुमराह से बॉल नहीं कराऊंगा, नसीम शाह से कराऊंगा। यार ये ज्यादती है, अगर कोई ग्रेट है तो ग्रेट बोलना चाहिए। अब वसीम भाई ग्रेट बॉलर थे, बकाया यूनुस था, शुएब अख्तर था, वो ग्रेट थे। जी आता बासर भाई, वो भागते नहीं थे, कैसे भी सिचुएशन होती थी गेंद पकड़ के गेंद डाल देते थे, ये सिचुएशन देखते रहते, कहा अच्छी कंडीशन है, सिचुएशन अच्छा हो फेवर में, वहां क्या कहेंगे हमें, हम बोल करते हैं, जहां इन पे प्रेशर आएगा ये बोल नहीं कर सकते, प्रेशर वाली बॉलिंग और होती है, ये भी वगैरह बता देंगे। हमारे पूल में ना वेस्ट इंडीज के पूल
हमारे अपना वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के पूल में इंडिया तो है ही, साथ में आयरलैंड भी है। तो अगर अभी इस मैच के बाद अगर देखो ये सीरीज जीत भी जाए ना, तो इनकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आंखें बंद हो गई पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी आवाम क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है।